Greetings of the day, students. So in last lecture we saw debugging in CodeBlox and manual debugging using printf for while loop programs. Okay, so we were discussing looping inside the C. So while we were discussing looping, I just wanted to add one more loop structure today. So that is do while loop. Okay, do while loop kya hoti hai? Humne ek type ki loop structure dekh liya, that is entry control loop. वाइल में जब हम लूप का बॉडी लिख रहे थे उससे पहले हम कोई कंडीशन चेक कर रहे थे, बाद में लूप का बॉडी एग्जीक्यूट हो रहा था. ओके, दिस इज अ डू व्हाइल लूप. सो बॉडी ऑफ द लूप हियर इज फर्स्ट. हम यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं चेक कर रहे हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं, कंडीशन है वो लूप की बॉडी एक टाइम एग्जीक्यूट करने के बाद चेक होगी. सो एटलीस्ट आपके लूप का बॉडी वंस एग्जीक्यूट होगा, बाद में कंडीशन चेक होगी. अगर कंडीशन ट्रू है ऑब्वियसली तो आप वापस से मूव बैक कहाँ करेंगे, लूप के बॉडी में करेंगे. अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप कहाँ निकल जाएंगे, तो बाहर निकल जाएंगे. एज सिंपल इज दैट. सो व्हाइल की सिंटैक्स क्या थी, विल मूव बैक, जैसे कि आप देख सकते हैं, व्हाइल फिर कंडीशन. ओके, एंड देन वी वर हैविंग द बॉडी ऑफ द लूप. ये पूरा बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो रहा था आफ्टर चेकिंग द कंडीशन. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है. पहले डू लिखेंगे जो कि एक कीवर्ड है, इसको हमें चेंज नहीं करना है. व्हाइल भी एक कीवर्ड है, उसमें हमें चेंज नहीं कर सकते. कंडीशन हम चेंज कर सकते हैं और बॉडी हम चेंज कर सकते हैं. So do these operations till this condition is correct. Okay, so do whatever you want to do inside this loop, inside this body, and while this condition is correct, हम last में semicolon. जब हम while start कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, जब हमने while condition start की है, वहाँ पे हमने semicolon put नहीं किया है यहाँ पे. Okay, but whenever we are finishing the loop, जब हम loop finish कर रहे हैं, तब while condition check करके वहीं पे body को complete कर रहे हैं. ये सेमी कॉलन है वो जो डिनोट करता है कि यहाँ पे वाइल कंडीशन यानी कि डू वाइल बॉडी खत्म हो रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है. सो व्हेनेवर यू यूज वाइल एज हेडिंग, यहाँ पे हम वाइल एज हेडिंग यूज कर रहे हैं, तब पीछे कंडीशन में सेमी कॉलन नहीं आएगा, क्योंकि हेडिंग के बाद सेमी कॉलन करने का मतलब होता है वहां पे आप लूप को खत्म कर रहे हैं. ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे वाइल है वो हेडिंग के तौर पे नहीं है, हमारा हेडिंग क्या है, डू, और वाइल है वो कंप्लीशन स्टेटमेंट की तरह है. तो उस कंडीशन के बाद आप सेमीकॉलन लगाना नहीं भूलेंगे, दैट इज कंपलसरी. ओके, सो कहाँ पे सेमीकॉलन आएगा और कहाँ पे नहीं आएगा हम याद रखेंगे. वाइल सिर्फ अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें सेमीकॉलन नहीं आएगा, अगर हम डू वाइल यूज कर रहे हैं तो उसमें लास्ट में वाइल की कंडीशन चेक करने के बाद सेमीकॉलन आएगा. ओके, सो दिस इज एन ऑब्वियसली विच टाइप ऑफ लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप, सिमिलर टू वाइल है. ओके, वाइल से सिमिलर है, और जैसे कि हमने बताया था जो प्रोग्राम हमने सारे वाइल से किए हैं वो आप डू वाइल से भी कर सकते हैं. तो आप एक बार चेक करेंगे वो सारे प्रोग्राम डू वाइल से करके, जो भी प्रोग्राम हमने वाइल लूप में डिस्कस किए वो कपल ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे रिपीट होंगे, बट हम देख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे. ठीक है, सो मूविंग बैक टू द एग्जाम्पल, हम पहला हमारा टास्क है फाइंडिंग द लार्जेस्ट नंबर इन डिजिट्स. सो हमने डिजिट्स का सम फाइंड करने वाला प्रोग्राम किया था, तो इस बार हम सम फाइंड नहीं करेंगे, हमें क्या करना है उसमें से मैक्सिमम डिजिट चाहिए. ओके, सो मूविंग टू माई कोड ब्लॉक्स. यस, हियर, सो कोड ब्लॉक्स में आ चुका हूँ मैं. सो हम जब समेशन फाइंड कर रहे थे तब हमारे वेरिएबल्स कैसे थे, जैसे कि इंटीजर हमारा नंबर था. ओके, वी विल नीड नंबर, देन वी नीडेड सम, पर हमें यहाँ पे सम नहीं चाहिए होगा, हमें यहाँ पे मैक्सिमम नंबर चाहिए. तो इनिशियली मैक्सिमम नंबर में जीरो दे रहा हूँ, कोई भी नंबर है वो जीरो से बड़ा ही होगा जनरली, इसीलिए अभी मैं जीरो दे रहा हूँ मैक्सिमम को. सो प्रोग्रामिंग में दो चीजें याद रखेंगे, अगर आपको कहीं पे भी मिनिमम नंबर फाइंड करना है तो आप यहाँ पे जो मिनिमम है वो नहीं देंगे, वो यहाँ पे कोई भी आप मैक्सिमम नंबर दे देंगे, जैसे कि 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, उससे कोई भी नंबर जो यूजर एंटर करेगा जनरली मिनिमम होगा या फिर आपके एप्लीकेशन के हिसाब से. तो जब आप मिनिमम फाइंड कर रहे हैं तब मिनिमम नाम के वेरिएबल को आप मैक्सिमम इनिशियलाइज करेंगे. ठीक है, और जब आप जैसे कि हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम डिजिट फाइंड कर रहे हैं, तब मैक्सिमम नाम के वेरिएबल को आप क्या इनिशियलाइज करेंगे, मिनिमम इनिशियलाइज करेंगे. ओके, सो इनिशियलाइजेशन में कॉन्ट्रडिक्शन होता है, उल्टा होता है. जब आप मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं तो आप मैक्स को सबसे छोटा नंबर देके इनिशियलाइज करेंगे, और जब आप मिनिमम फाइंड कर रहे हैं तो आप मिनिमम नंबर को यानी कि मीन नाम के वेरिएबल को सबसे बड़ा नंबर देके इनिशियलाइज करेंगे. सो इनिशियलाइजेशन में उल्टा होगा ऑलवेज, मैक्सिमम को सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी और मिनिमम को सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी. सो वी हैव अ नंबर, मैक्स और डिजिट, डिजिट नाम का भी वेरिएबल चाहिए होता है, सो डिजिट. ओके, नंबर, मैक्स एंड डिजिट. व्हाइल लूप स्टार्ट करते हैं, सॉरी उससे पहले यूजर से नंबर ले लेंगे, प्रिंटर. ओके, प्रिंटर में मैं उसको क्या कहूंगा, एंटर एन यू एम, वो नंबर एंटर करेगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ. ओके, और बाद में हम उसको स्कैन कर लेंगे. स्कैन क्या करना है, परसेंटेज डी ऑब्वियसली,
पर्सन टू डी स्कैन करके हम किसे असाइन करेंगे, NUM को असाइन करेंगे, ठीक है। सो NUM को असाइन हो चुका है। सो बाद में हम क्या करेंगे, वाइल लूप एग्जीक्यूट करेंगे। वाइल में हम पहले कंडीशन क्या चेक करते थे, डिजिट्स के सम वक्त हर बार हम नंबर को छोटा करते जाते थे, नंबर को एक एक डिजिट कट कर रहे थे, इसलिए चेक कर रहे थे कि नंबर ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं। यहाँ पे भी सेम चीज चेक करेंगे, नंबर ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं। थ्री स्टेप्स फॉलो कर रहे थे वहां पे, मैं पूरा नहीं प्रोग्राम को देख के लिखता हूँ। हम थ्री स्टेप्स कौन से फॉलो कर रहे थे, सबसे पहले डिजिट निकाल रहे थे। सो डिजिट निकाल रहे हैं, डिजिट कैसे निकालते थे, नंबर मॉड्यूलो 10 करके। नंबर मॉड्यूलो 10 करने से हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगा जो भी नंबर है उसका, और लास्ट डिजिट को हम क्या कर रहे थे, सम में ऐड कर रहे थे। वी आर डूइंग दिस इन आवर लास्ट प्रोग्राम। एक्चुअली हमें यहाँ पे ये नहीं करना है, मैं जैसे लिख रहा हूँ उसी को अंडरस्टैंडिंग। अगर हमें सम करना है कोई भी डिजिट का तो हम क्या कर रहे थे, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस डिजिट, ओके। और लास्ट में हम क्या कर रहे थे, नंबर को हम वापस एक डिजिट कट कर रहे थे, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाई 10, ओके। अगर हम नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो उसमें से एक डिजिट कम हो जाएगा, ठीक है। सो वी आर डूइंग दिस लास्ट टाइम, राइट। पर इस बार हमें ये चीज नहीं करनी है, हम इसको कमेंट कर दे रहे हैं या फिर इसको हटा दे रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं करने वाले। हमें उस डिजिट को नंबर में ऐड नहीं करना है, हमने डिजिट सेपरेट कर दिया है। अब पर उस डिजिट को चेक करना है मैक्स के साथ, कंपेयर करना है, ठीक है। सो मैं चेक कर रहा हूँ इफ, यहाँ पे वाइल के अंदर इफ लिख रहे हैं, हर बार वो नंबर को डिजिट से चेक करेगा कि इफ द डिजिट वी हैव फाउंड, जो हमारे पास डिजिट है वो किससे बड़ा है, मैक्सिमम से। अगर हमें जो डिजिट मिला है वो मैक्सिमम से बड़ा है तो हम उसको चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, हमारा मैक्सिमम का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, डिजिट के जितना हो जाएगा, ओके। अगर हमारा डिजिट है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है तो हम हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैक्सिमम वैल्यू को चेंज कर देंगे, नहीं है तो हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं। इसलिए हम कौन सा पार्ट नहीं लिख रहे हैं, एल्स पार्ट, ओके। सो इफ यू वांट टू राइट द एल्स पार्ट यू कैन राइट द एल्स पार्ट, बट आई डोंट हैव एनी स्टेटमेंट फॉर एल्स पार्ट, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग ओनली इफ। सो मैं सिर्फ इफ स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ। ये भी थ्री स्टेप प्रोसेस है, पहले उस नंबर में से डिजिट को अलग करेंगे, डिजिट को अलग करने के बाद हम क्या करेंगे, उस डिजिट को कंपेयर करेंगे मैक्स के साथ, अगर वो मैक्स से बड़ा है तो मैक्स अपडेट कर देंगे और हमारे नंबर में से एक चीज कम कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में हम सम प्रिंट करते थे जनरली, पर इस बार हमारे प्रोग्राम का एम क्या है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना, और सॉरी लार्जेस्ट डिजिट फाइंड करना हमारे नंबर में से। सो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि लार्जेस्ट डिजिट इज परसेंटेज डी, परसेंटेज डी लार्जेस्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट हमने कहाँ स्टोर किया, मैक्स में स्टोर किया, ओके। सो हमारा मैक्स में स्टोर है, इस प्रोग्राम को सिंपली रन करेंगे, राइट। सो इट इज बीइंग कंपाइल्ड राइट नाउ, यस वी डिडंट गेट एनी आंसर आई गेस, एग्जांपल टू, ओके सॉरी एग्जांपल टू को कंपाइल कर रहा है। मैं एग्जांपल वन में प्रोग्राम देता हूँ, आई जस्ट क्लोज दिस, एग्जांपल टू प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। नाउ आई विल रन दिस अगेन, लेट अस चेक फॉर अस हैपनिंग, इट इज कंपाइलिंग इट, यस एंटर नंबर, मुझे नंबर एंटर करने के लिए कह रहा है, मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ 56324, 56324 नंबर, इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 6, सो लार्जेस्ट डिजिट इज 6, एज यू कैन सी इन द आंसर लार्जेस्ट डिजिट इज 6। इसको क्विकली हम क्या करते हैं, एक बार डीबग कर लेते हैं, ठीक है। हमने डीबगिंग देखा था पिछले लेक्चर में, इसको क्विकली एक बार डीबग कर लेते हैं। टॉगल पॉइंट रखा हूँ F5 से यहाँ पे, फिर प्रिंटफ और स्कैनफ में टॉगल पॉइंट रखा हूँ F5 से, कंडीशन में भी टॉगल पॉइंट है चेक करने के लिए। फिर उसके अंदर हम तीन ही स्टेप करते हैं, डिजिट को अलग करना है, फिर जो भी हमारा प्रोसेस है वो करना है, उसको सब में ऐड करना है या फिर किसी से कंपेयर करना है, और लास्ट थिंग नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10, ठीक है। सो कोई भी अगर हम नंबर को डिजिट्स प्रोसेस करने, आपको कोई भी नंबर की, तो डिजिट प्रोसेस करने की सबसे सिंपल टेक्निक याद रखेंगे, वाइल में कंडीशन क्या रखेंगे, नंबर ग्रेटर देन जीरो हो तब तक चलना चाहिए। सबसे पहले उसका डिजिट अलग कर लेंगे, डिजिट अलग कैसे करते हैं, नंबर मॉड्यूलो 10 सबके लिए कॉमन रहेगा। आपका दूसरा स्टेप हर बार चेंज होगा, दूसरा स्टेप में क्या चेंज आएगा, अगर आपको डिजिट का समेशन करना है तो आप क्या लिखेंगे, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस डिजिट, और अगर आपको मैक्सिमम डिजिट फाइंड करना है तो हम क्या लिख रहे हैं, डिजिट ग्रेटर देन मैक्स है तो मैक्स इज इक्वल टू डिजिट, ओके। हमने इफ स्टेटमेंट लिख दिया, यानी कि आपको क्या डिजिट के साथ प्रोसेस करनी है उसके हिसाब से आपको सेकंड स्टेटमेंट चेंज होगा। और लास्ट स्टेटमेंट हमारा फिक्स है ऑब्वियसली, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10, क्यों, क्योंकि हमने हमने नंबर की लास्ट डिजिट पे हमारी प्रोसेस खत्म कर दी, इसीलिए हम उसमें से उस डिजिट को निकाल देंगे। तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीजर डिवीजन, इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, इस स्टेप को इंटीजर डिवीजन स्टेप कहेंगे, वो हमें हमारा लास्ट डिजिट रिमूव करके देगा, ठीक है। सो आफ्टर रिमूविंग आवर लास्ट डिजिट विल सिंपली फॉलो द प्रोसेस अंटिल नंबर इज ग्रेटर देन 0, ओके। इसको डीबगिंग टूल में एक बार देख लेते हैं, डीबगिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने डीबगिंग स्टार्ट किया है। इनिशियली सब वैल्यूज को
गार्बेज वैल्यू मिलती है, ओके गार्बेज वैल्यू, और हमें हमारी आउटपुट विंडो भी मिल चुकी है, आउटपुट विंडो खुली है। अभी अभी तक मैंने कंपाइलेशन स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए आउटपुट विंडो में कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूँ, फर्स्ट में नंबर इनिशियलाइज नहीं होगा, मैक्स इनिशियलाइज हो जाएगा 0 पे, और डिजिट इनिशियलाइज नहीं होगा। सो मैक्स एक ही रेड में दिखाया गया है यहाँ पे, मैक्स की वैल्यू 0 है जो अभी अभी इनिशियलाइज हुई है, और नंबर और डिजिट की वैल्यू है जो पहले दी हुई थी वही है, एज यू कैन सी, ठीक है, गार्बेज वैल्यू से जो पहले यहाँ पे थी वही है गार्बेज वैल्यू, अभी तक उसको किसी ने टच नहीं किया है, किसी ने इनिशियलाइज नहीं किया है। सो अभी प्रिंटर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एंटर नंबर और स्कैनफ एग्जीक्यूट होगा, दोनों को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एंटर नंबर और स्कैनफ, ठीक है। सो यहाँ पे चले जाएंगे हमारी आउटपुट विंडो में, एंटर नंबर आ चुका है और स्कैनफ हमारे नंबर एंटर करने का वेट कर रहा है। मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ 68739, ओके ये नंबर एंटर कर रहा हूँ, हाईएस्ट डिजिट 9 है। एंटर करते ही आंसर मिल जाना चाहिए था, पर हमें आंसर नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारा डिबगिंग प्रोसेस चालू है, ओके। सो मिनिमाइजिंग दिस, आफ्टर मिनिमाइजिंग दिस आई कम टू द डिबगिंग पार्ट। यहाँ पे हमारा कर्सर है, अभी ये एग्जीक्यूट करना बाकी है। हमारे नंबर की वैल्यू आ चुकी है 68739, हमारा डिजिट है वो गार्बेज वैल्यू है अभी भी जो भी एंटर्ड है इसमें, ठीक है, और मैक्सिमम 0 है, राइट। सो जैसे मैं इसको डिबग करूंगा, ओके डिजिट है वो एक लास्ट नंबर निकाल लेगा नंबर मॉड्यूलो 10 करके। सो हमारे डिजिट का लास्ट नंबर क्या है 9। सो जैसे ही 9 निकालेगा, इफ कंडीशन में आ जाएंगे, डिजिट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 9, पहले गार्बेज लिखी हुई थी वैल्यू कोई, अभी एक्चुअल वैल्यू आ चुकी है लास्ट डिजिट की 9, ठीक है, वो कंपैरिजन में आ जाएगा, कंपैरिजन स्टेटमेंट में। यहाँ पे हमारा कर्सर है, डिजिट है वो ग्रेटर देन मैक्स है, हमारी मैक्स की वैल्यू क्या आप देख सकते हैं 0। सो 9 और 0 कंपेयर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली डिजिट की वैल्यू बड़ी है मैक्स से, सो मैक्स इज इक्वल टू डिजिट हो जाएगा, ठीक है। सो मैक्स इज इक्वल टू डिजिट हो गया, मैक्स इज इक्वल टू डिजिट, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, यस अभी अपडेट हो गया है क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन बाकी था, और नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। अभी नंबर में से हमें लास्ट डिजिट निकल जाएगा, 68739 था, अभी 68733 हो चुका है, अगेन 0 से स्टिल बड़ा है, इसीलिए एग्जीक्यूशन अंदर आएगा, वाइल लूप में अंदर घुसेगा, ठीक है। सो आई जस्ट क्विकली एग्जीक्यूट दिस थिंग, वो सारे नंबर्स को एक एक कम करके मैक्सिमम के साथ कंपेयर करके ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या रहेगा 9 रहेगा, ठीक है। तो हमने ये प्रोग्राम किया वाइल लूप से, एक्चुअली हमें सीखना क्या है डू वाइल लूप, तो इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं डू वाइल लूप से। मैं ये वाइल यहाँ से हटा देता हूँ, ओके मैं यहाँ पे डू लिखता हूँ, सो एटलीस्ट एग्जीक्यूट दिस बॉडी वंस एंड देन यू चेक एट द एंड दैट नंबर इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, एंड देन पुट द सेमी कॉलन आफ्टर वाइल लूप, ठीक है। सो ये हमारा डू वाइल लूप का प्रोग्राम है, ठीक है। एग्जीक्यूशन को स्टॉप करते हैं, स्टॉप द एग्जीक्यूशन, और डीबगिंग को स्टॉप कर दिया, इसको सिंपली एक बार रन करके देख लेता हूँ प्रोग्राम, इफ द प्रोग्राम इज वर्किंग और नॉट, ओके। सो 56923, ठीक है, एंटर करते ही लार्जेस्ट डिजिट 9 नजर आ रहा है, ठीक है। एक बार डू वाइल लूप को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, पहले वाइल कंडीशन चेक होती थी तभी लूप में एंटर होने देता था, अब कैसा है हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो आई जस्ट एड वन टॉगल पॉइंट हियर एंड स्टार्ट डीबगिंग, मैंने डीबगिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अभी सब जगह पे गार्बेज वैल्यूज है यहाँ पे, ठीक है। सो एज सून एज आई रन वन स्टेटमेंट, नंबर अभी तक नहीं आएगा, मैक्स 0 हो गया है, डिजिट है वो गार्बेज है, ठीक है। दो बार रन कर लेता हूँ, प्रिंटअप और स्कैनअप हो जाएंगे, हमें आउटपुट विंडो में शिफ्ट होके यहाँ पे मैं नंबर लिख लूंगा 15697 या फिर 91234, ओके मैंने नंबर लिख लिया 91234, और डीबगिंग हमारा स्टार्ट है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। सो डू में कर्सर रुका नहीं है, जैसे कि आपने देखा डू में डायरेक्टली उसे जंप कर दिया स्कैनर से, यहाँ पे डू में कोई भी चेकिंग कंडीशन नहीं है, कोई भी बैरिकेड नहीं है, आप डायरेक्टली अंदर घुस सकते हैं। सो एटलीस्ट वंस तो ये लूप एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन यहाँ पे गलत हो जाएगी तो बाहर निकल जाएगी, ठीक है, पर एटलीस्ट वंस दैट कंडीशन विल बी एग्जीक्यूटेड, ओके। सो जस्ट वेट, सो कंडीशन के हिसाब से प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो अगर कंडीशन गलत है तो प्रोग्राम विल बी लूप विल बी टर्मिनेटेड एंड कर्सर विल मूव बैक टू लाइन नंबर 20, इफ द कंडीशन इज करेक्ट देन कर्सर विल अगेन मूव बैक टू लाइन नंबर 12, ओके। सो ये हमें डिबगिंग में देखने मिलेगा, हमने ऑलरेडी अपना नंबर चूज कर लिया है 91234, ओके। प्रोग्राम कौन सा है हमारा, मैक्स डिजिट फाइंड करने का, डिजिट की वैल्यू कोई भी गार्बेज है, मैक्स की वैल्यू हमने 0 सेलेक्ट किए स्टार्टिंग में वही है, ठीक है। सो ये लूप बार बार एग्जीक्यूट होगी, इसलिए हम इसको सेंटर पे रखते हैं। आई जस्ट मूव बैक टू माय आउटपुट विंडो, नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया, यस ओके। सो हमारा डिबगिंग हम कंटिन्यू करते हैं।
सो नेक्स्ट लाइन, डिजिट हमने निकाल लिया लास्ट, 91234 का लास्ट डिजिट 4 होगा, सो डिजिट में 4 आ गया है। इसकी वैल्यू रिसेंटली ही चेंज हुई है, इसीलिए डिजिट में 4 यू कैन सी विद रेड फॉन्ट्स। देन इफ आई मूव बैक, इट विल चेक द कंडीशन दैट इफ द डिजिट इज ग्रेटर देन मैक्स। उसने कंडीशन चेक कर ली है, कंडीशन सही है, इसीलिए वो 15th लाइन में आया है। अगर कंडीशन गलत होती तो 15th लाइन में नहीं आता। सो 4 इज ग्रेटर देन 0, मैक्स कौन सा है, 0 है, डिजिट 4 है, सो ऑब्वियसली डिजिट इज ग्रेटर देन मैक्स, इसीलिए वो मैक्स को अपडेट करेगा इस स्टेटमेंट में। सो मैक्स क्या हो जाएगा, 4। लास्ट हमारा डिजिट भी 4 है एट प्रेजेंट और मैक्स भी 4 है। तो हमारा लास्ट स्टेटमेंट क्या बाकी रह गया प्रोग्राम में, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10, जो कि लास्ट डिजिट कैंसिल कर देगा। सो 91234 में से वी आर एट 9123। नाउ इट इज चेकिंग द कंडीशन एट लास्ट। ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, इसीलिए पूरी लूप की बॉडी को उसने एग्जीक्यूट कर दिया है। बाद में वो क्या चेक कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 0 है, हमारा नंबर क्या है 9123, ऑब्वियसली 9123 इज ग्रेटर देन 0, राइट, सो इट विल मूव बैक टू द टॉप ऑफ द लूप, 12 नंबर लाइन आ जाएगा उसका कर्सर। ओके, सो 12 नंबर में वॉगिंग क्या करेगा, इस नंबर में से डिजिट एक्सट्रैक्ट करेगा। लास्ट डिजिट क्या है, 3, सो इसमें से लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा 3, डिजिट की वैल्यू अपडेट होके 4 में से 3 हो जाएगी, ठीक है। अगेन वो कंपैरिजन करेगा, डिजिट ग्रेटर देन मैक्स है, डिजिट की वैल्यू 3 है, मैक्स की वैल्यू 4 है, ऑलरेडी डिजिट मैक्स की वैल्यू डिजिट से बड़ी है, सो ये कंडीशन फॉल्स है। सो जैसे ही मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा, हमारा कर्सर जो 14th लाइन पे है वो डायरेक्टली आ जाएगा 17th में, इट विल नॉट एग्जीक्यूट लाइन नंबर 15। व्हाई, बिकॉज इट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, अगर 14th की कंडीशन सही है लाइन नंबर तो ही 15th में जाएगा। इफ आई प्रेस नेक्स्ट, इट विल डायरेक्टली कम टू 17। ओके, सो हम लाइन नंबर 17 में है, मैक्स है वो अपडेट नहीं होगा, डायरेक्टली हमारा नंबर है वो 9123 में से एक डिजिट कम हो जाएगा, ठीक है। सो हमने लास्ट डिजिट है वो एग्जीक्यूट कर लिया है, मूविंग फॉरवर्ड, सो हमारा नंबर 9123 में से 912 हो गया है, ठीक है। सो 912 इज डन। अगेन एट लास्ट वी आर चेकिंग कंडीशन, कि नंबर ग्रेटर देन 0 है, 912 इज ग्रेटर देन 0, यस, सो अगेन मूव बैक टू लाइन नंबर 12, वापस वो लाइन नंबर 12 में जाएगा, ठीक है। उसके वेरिएबल्स क्या है, अभी ये है जो वैल्यूज आप देख रहे हैं, उसको हम अपडेट करते हैं वन बाय वन। डिजिट को अगेन अपडेट करके हम 912 में से लास्ट डिजिट निकाल के 2 कर देंगे, सो 3 में से डिजिट की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगी, 2, एज यू कैन सी। अगेन इट विल चेक द कंडीशन, वो मैक्स से बड़ा है कि छोटा है, सो अभी डिजिट की वैल्यू 2 है, वो मैक्स से बड़ी है छोटी, ऑब्वियसली छोटी वैल्यू है तो मैक्स को अपडेट नहीं करेगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, मैक्स हैज नॉट बीन अपडेटेड, डायरेक्टली अपडेशन स्टेटमेंट को स्किप करके यहाँ पे आ गए हैं। 912 को अगेन क्या करेंगे हम लोग, छोटा कर देंगे एक नंबर, 91 कर देंगे। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो डिजिट 1 को चेक करेगा और मैक्स से कंपेयर करेगा, पर छोटा है इसीलिए अपडेट नहीं करेगा। अगेन लास्ट स्टेटमेंट में आ जाता है, ठीक है, 9 है वो 0 से बड़ा है, यस बड़ा है, इसीलिए हम लूप में जाएंगे अंदर। आफ्टर एंटरिंग इनटू द लूप हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि उसका लास्ट डिजिट निकाल लेंगे, नंबर 9, नंबर 9 का लास्ट डिजिट क्या है, मूविंग फॉरवर्ड, नंबर 9 का लास्ट डिजिट 9 है, उसको स्टोर करेंगे डिजिट में। ओके, आफ्टर स्टोरिंग दैट इन डिजिट विल कंपेयर डिजिट एंड मैक्स, सो हम डिजिट और मैक्स को कंपेयर करेंगे, देख सकते हैं आप डिजिट बड़ा है मैक्स से, तो ऑब्वियसली इन लास्ट स्टेटमेंट मैक्स अपडेट होगा, सो इस बार लाइन नंबर 15 में कर्सर आएगा, अपडेट करेगा उसको। ओके, और बाद में क्या करेगा, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10, ठीक है, और 9 में से नंबर अगर हम लास्ट डिजिट निकाल देंगे तो ऑब्वियसली नंबर 0 बचेगा, इस बार नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है, इसीलिए लास्ट में जब नंबर चेक करेगा तो कंडीशन फॉल्स होगी, लाइन नंबर 18 में जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, एंड आवर कर्सर विल मूव बैक टू लाइन नंबर 20 नीचे। अभी इस बार लाइन नंबर 12 में नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि हमारी कंडीशन गलत थी, सो हम लूप के बाहर आ गए हैं, एग्जिट टाइम पे कंडीशन चेक हुई, इसीलिए इस लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं, ठीक है। एंड द लार्जेस्ट डिजिट इज ऑब्वियसली मैक्स, सो मैक्स कौन सा डिजिट है, अभी मैक्स में कौन सा डिजिट है, 9, सो हमें 9 रिटर्न होगा, ये चीज हमारे सेम आउटपुट विंडो में आ गई होगी, लार्जेस्ट डिजिट इज 9। ओके, आई क्लोज दिस विंडो एंड सिंपली स्टॉप द डीबगिंग, मैं डीबगिंग स्टॉप कर दिया है, ठीक है। सो ये है हमारी एग्जिट कंट्रोल लूप, हम हर एक प्रोग्राम का डीबगिंग नहीं करेंगे, जब तक आपको प्रोग्राम समझ में आ रहा है तब तक डीबगिंग करेंगे, बेटर है कि आप डीबगिंग करना खुद से सीखें, जब भी आप कोड ब्लॉक्स में प्रोग्राम रन कर रहे हैं। हमने टर्बो सी से कोड ब्लॉक्स में शिफ्ट किया, उसका एक रीजन ये भी है, ये मॉडर्न कंपाइलर्स है, अच्छे डीबगर्स प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप वेरिएबल्स की वैल्यू देख सकें, ठीक है। इफ यू स्टार्ट द डीबगिंग एंड इफ यू डू नॉट सी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पे जैसे मुझे वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स दिख रही है, अगर आपको ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स नहीं दिख रही है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। वेरियस इन्फॉर्म है,
sorry my mistake, आप डीबगिंग इन्फो में, व्हाट इज दिस, इट इज डीबगिंग विंडो. ओके, डीबगिंग विंडो में आप वॉचेस सिलेक्ट करेंगे. आपको वॉचेस दिख रहा है, दिस वन वॉचेस. वॉचेस सिलेक्ट करने के बाद यू कैन ऑब्वियसली सी दीज वैल्यूज. ओके, आप ये वैल्यूज दिख पाएंगे आफ्टर सिलेक्टिंग द वॉचेस. ओके, सो मेक श्योर यू सिलेक्ट दिस थिंग टू सी द वेरिएबल वैल्यूज. फाइन, सो या वी हैव डन दिस प्रोग्राम. शिफ्टिंग टू अनदर प्रोग्राम, आई जस्ट गो बैक टू पीपीटी. यस, फाइन. डू व्हाइल लूप में हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? और नेक्स्ट टारगेट इज दिस वन, फाइंडिंग द सम ऑफ नंबर डिजिट्स. ये हमने कर दिया है ऑलरेडी, ये मैं वापस से नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, व्हाइल और डू व्हाइल लूप में सेम होगा. चेक इफ द नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट. ओके, चेक इफ द नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट. आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है पहले समझ लेते हैं. आर्मस्ट्रांग नंबर यानी ऐसा नंबर कि जस्ट अ सेकेंड, आई क्विकली टेक एन एग्जाम्पल एंड शो यू. ओके, सो आर्मस्ट्रांग नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर क्या है? जहां पे आप कोई भी नंबर के डिजिट्स का क्यूब करके उसका सम करें, या फिर जितने डिजिट्स हैं वो करके उसका समेशन करें, तो आपको सेम नंबर मिलना चाहिए. जैसे कि 1634, 1634 नंबर में 1 raised to 4, 4 क्यों किया मैंने? क्योंकि उसके डिजिट्स 4 है. हियर n इज इक्वल टू 4, चार डिजिट नंबर है, इसीलिए हर एक डिजिट को मैं रेज टू 4 करूंगा. 1 raised to 4, 6 raised to 4, 3 raised to 4 एंड 4 raised to 4. इन सबका एडिशन मुझे मिलेगा 1634. ठीक है, जो कि नंबर इटसेल्फ है. सो वेन एवर देर इज अ नंबर, सो उसके जितने डिजिट्स हैं उसकी उतनी पावर करके हर एक डिजिट को अगर हम ऐड करते हैं, अगर हमें सेम नंबर मिलता है तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे? आर्मस्ट्रांग नंबर. अगर नहीं मिलता है, जैसे कि 1 2 3 है, तो 1 cube, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है, तो 1 cube 2 cube and 3 cube इज इक्वल टू 36, विच इज नॉट इक्वल टू दिस नंबर. सो दिस इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर. सिंपल थ्री डिजिट आर्मस्ट्रांग नंबर का एग्जाम्पल है, दैट इज 153. 1 cube, 5 cube और 3 cube, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको 153 मिलेंगे. 1 cube इज 1, 5 cube इज 125, 3 cube इज 27. सो 125 एंड 27, 152 प्लस 1, 153. ठीक है, सो दैट इज अवर आर्मस्ट्रांग नंबर. आर्मस्ट्रांग नंबर बेसिकली क्या होता है? नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उसको हर एक डिजिट नंबर में जितने भी डिजिट है उसको हर एक डिजिट के पावर में रख के हर एक डिजिट का समेशन करना है. ठीक है, सो 153 है, तो 1 cube प्लस 5 cube प्लस 3 cube. अगर ये 4 digit नंबर होता, जैसे कि 1634 है, तो हम हर एक डिजिट के पावर में क्या रखते हैं? 4 रखते हैं. ठीक है, सो दैट इज आर्मस्ट्रांग नंबर. उसके रिलेटेड प्रोग्राम लिखना है. अगेन आई कम बैक हियर, हमें डिजिट से काम है. याद रखेंगे कि हमें किससे काम है? डिजिट से काम है. सो हम ये तीन स्टेप ऑलवेज फॉलो करेंगे. कौन से स्टेप है? सबसे पहले नंबर में से लास्ट डिजिट निकाल लेना है, फिर नंबर के साथ जो प्रोसेसिंग करना है वो हम यहाँ पे चेंज करेंगे, और हम नंबर को एक डिजिट कम कर देंगे. ठीक है, अगेन हमें क्या करना है? उसका जितने भी डिजिट है वो निकाल के उसके समेशन करना है. तो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि नंबर में कितने डिजिट है. ओके, वो कैसे फाइंड करेंगे? सो हम नंबर के डिजिट काउंट करने के लिए क्या करेंगे? एक सिंपल व्हाइल लूप लिखेंगे. बट बिफोर आई राइट दैट व्हाइल लूप, हम दो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहे हैं. डी डमी नंबर 1 इज इक्वल्स टू num. ओके, और डमी नंबर 2 ऑल्सो इज इक्वल्स टू num. मैं यहाँ पे दो डमी नंबर्स ले रहा हूँ. डमी नंबर्स क्यों ले रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा. डमी नंबर 1 और डमी नंबर 2 दोनों को ऑब्वियसली डिफाइन कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं, ताकि उसकी मेमोरी स्पेस क्रिएट हो जाए. ठीक है, हमें पता है कि जब भी हम यहाँ पे नंबर देते हैं इन अवर मेमोरी लोकेशन, हमने पहले भी प्रोग्राम में नंबर दिए हैं, इफ यू जस्ट रिवाइंड द वीडियो बैक, अगर आप रिवाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि नंबर हर बार अपडेट होता जाता है. सो अगर एक बार लूप खत्म हो जाती है तो नंबर अपडेट हो जाएगा, हमें लास्ट में वो नंबर, ओरिजिनल नंबर वापस नहीं मिलेगा. ठीक है, रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट. फाइन, सो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा एक्चुअल नंबर है उसके साथ छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं डमी नंबर में सेव कर दे रहा हूँ. सो डमी नंबर में वही वैल्यू है जो हमारे एक्चुअल नंबर में, तो मैं उसको सिंपली वैल्यू असाइन कर रहा हूँ. और दूसरा भी डमी नंबर 2 है जिसको मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ. सो डमी नंबर 1 में किसके लिए यूज करूंगा? काउंटिंग द डिजिट के लिए. सो व्हाइल, ओके, डमी नंबर 1 इसकी वैल्यू नंबर 1 जितनी है, दैट इज ग्रेटर देन 0. जब तक ये ग्रेटर देन 0 है तब तक आपको सिंपली दो चीजें करनी है. यहाँ पे भी हम डू व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं, पर मैं व्हाइल लूप यूज कर रहा हूँ. कि हम क्या कर सकते हैं, वी विल जस्ट काउंट डिजिट, काउंट डिजिट नाम का वेरिएबल है, उसको प्लस प्लस करते जाएंगे. काउंट डिजिट नाम के वेरिएबल को एक बढ़ाएंगे और हम क्या करेंगे, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10. ओके, सो काउंट डिजिट नाम का वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा मुझे.
काउंट डिजिट, ओके, जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, जीरो है काउंट, काउंट डिजिट की वैल्यू जीरो है, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, डी नंबर वन और डी नंबर टू मैंने डिफाइन कर दिया, ये हमारे लिए डिजिट काउंट कर रहा है। ये जो वाइल लूप है, मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ, टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, ओके। ये वाइल लूप हमें सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स दे रहा है, और वो किसमें स्टोर होगा, काउंट डिजिट नाम के वेरिएबल में। हमें और भी एक डिजिट वेरिएबल ऊपर लिया है, वो हम डिजिट वेरिएबल कहाँ यूज कर रहे हैं, वो टेम्पररी वेरिएबल के तौर पर यूज कर रहे हैं मेन डू वाइल लूप में। सो हमारे पास दो लूप है, एक है जो हमारे डिजिट काउंट कर रही है, सो दैट इज आवर प्रोग्राम काउंट डिजिट। अगेन काउंट डिजिट प्लस प्लस हमें क्या देता है, दिस इज सेम एज काउंट डिजिट इज इक्वल्स टू काउंट डिजिट प्लस वन, ओके। ये दोनों चीजें सिमिलर है। अगर आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं, मैं बार बार मेंशन करता रहूंगा, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सिमिलर है, जो काउंट डिजिट नाम के वेरिएबल को एक इंक्रीमेंट करते हैं, ओके। डी नंबर वन इज इक्वल्स टू डी नंबर डिवाइड बाई टेन, ये हमारे लिए डिजिट काउंटिंग का काम करके देगा। हम इसको यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर रहे हैं कि डिजिट कितने हैं वो चेक करने के लिए, दैट ऑप्शन इज गिविंग अस राइट डिजिट्स। बाद में हमें क्या करना है, एक्चुअल डी नंबर टू में से, डमी नंबर वन हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, डमी नंबर वन की वैल्यू आफ्टर दिस लूप जीरो हो गई होगी, ठीक है। जैसे ये लूप कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख रहा हूँ कि आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ दिस लूप डी नंबर टू की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो गई है, ठीक है। इसीलिए हम उसको दूसरी बार यूज नहीं कर सकते, सॉरी डी नंबर वन की वैल्यू, डी नंबर वन हमने यूज किया, अभी डी नंबर टू हम नीचे यूज करेंगे, ठीक है। डी नंबर टू यहाँ पे यूज कर रहे हैं, डी नंबर टू मॉड्यूलो 10, हर बार डी नंबर टू को वो अपडेट कर रहा होगा, ओके। डी नंबर टू, ओके, मूविंग फॉरवर्ड डी नंबर टू, ओके। सो हम उसका लास्ट डिजिट निकाल रहे हैं, डिजिट को कुछ प्रोसेस करेंगे और हम उसको डी नंबर टू को एक डिजिट छोटा कर देंगे। फिर क्या प्रोसेस करेंगे वो एक बार डिसाइड कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सो हमारा एम है वो आर्मस्ट्रांग नंबर फाइंड करना है, तो हम प्रोसेस क्या करेंगे कि हमें जो भी डिजिट मिल रहा है उसको हम रेज टू करेंगे, रेज टू क्या करेंगे, दैट नंबर ऑफ डिजिट, कि हमें टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि स्विचिंग टू आर्मस्ट्रांग नंबर, तो ये हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर है, सो 153 थ्री डिजिट प्रोग्राम है, तो 1 raised to 3, 5 raised to 3 और 3 raised to 3, और इन सब का हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। तो ऑब्वियसली हम सम कर रहे हैं, तो हमें एक सम नाम के वेरिएबल की जरूरत होगी। यहाँ पे हमने मैक्स डिफाइन किया है, मैक्स की जगह मैं क्या ले लूंगा, सम, ओके। सो सम वेरिएबल आ चुका है, या कमिंग बैक हियर। सो हमें क्या करना है, उसको पावर करना है दैट डिजिट को, डिजिट शुड बी रेज टू दैट नंबर, व्हाट वी आर सेइंग इज डिजिट काउंट, कितने डिजिट हैं हमारे, सॉरी हमने नाम क्या दिया हुआ है, काउंट डिजिट, यस काउंट डिजिट, ओके। ये चीज हमें करनी है, तो ये चीज हम किससे करेंगे, पावर फंक्शन से। एक नया फंक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, POW फंक्शन। POW फंक्शन है वो ऑलरेडी डिफाइंड है सी प्रोग्रामिंग में, डिजिट को बेस में रखना है, जैसे कि मुझे वन नंबर रेज टू टू करना है, तो मैं नंबर यहाँ पे लिखूंगा और रेज टू जो पावर करना है वो यहाँ पे लिखूंगा। सो ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और ठीक है, सो ये मेरा पावर फंक्शन है। पावर फंक्शन कहाँ पे स्टोर है, math.h लाइब्रेरी में, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कौन सी लाइब्रेरी इंक्लूड करूंगा, इंक्लूड math.h, ओके, math.h लाइब्रेरी में यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि पावर फंक्शन math.h लाइब्रेरी में। सो हमारा पावर है वो हो चुका है, ठीक है। हमें उसको कहाँ पे स्टोर करना है, सम में, सम वेरिएबल ऑलरेडी मैंने ले लिया है, सो मैं क्या करूंगा, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस पावर ऑफ द डिजिट दैट वी आर गेटिंग हियर रेज टू काउंट डिजिट, ठीक है। सो ये पावर फंक्शन करेगा क्या, डिजिट रेज टू हर बार जो हमारा काउंट डिजिट है वो करेगा, और वो क्या करेगा, उसको ऐड कर देगा, किस में ऐड कर देगा, सम में, क्योंकि हमें उसका सम फाइंड करना है। सो जब हम वो सम फाइंड कर लेंगे, तो वाइल लूप कंप्लीशन हो जाएगा हमारा डू वाइल लूप। सो जब हम डू वाइल लूप के बाहर निकलेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, हर एक नंबर रेज टू द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स उसका सम, जैसे कि 153 है, तो 1³ + 5³ + 3³ ये हमें मिलेगा आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड दिस वाइल थिंग, ओके। वो कहाँ पे स्टोर होगा, सम में।
सो हमें क्या करना है, सिर्फ चेक करना है इफ नंबर डबल इक्वल्स टू सम, अगर हमारा नंबर है जो एक्चुअल नंबर है उसको हमने चेंज नहीं किया है. आफ्टर दिस व्हाइल लूप एग्जीक्यूशन हमारा कौन सा नंबर चेंज हो गया होगा, दिस वन बी नंबर टू, वो भी चेंज होके क्या हो गया होगा, जीरो हो गया होगा. इसीलिए हमारी एक्चुअल वैल्यू कहीं पे स्टोर नहीं होती, पर हमने हमारे एक्चुअल नंबर को कहीं चेंज नहीं किया, इसलिए अभी भी नंबर में क्या स्टोर है, एक्चुअल वैल्यू जो डाली हुई वही स्टोर है, जो यूजर ने डाला हुआ नंबर, ठीक है. सो वही स्टोर है. सो अगर नंबर इक्वल टू सम है, और एंड इसको निकाल देता हूँ, ठीक है. और हम एक काम करते हैं, पहले सम प्रिंट भी कर लेते हैं, प्रिंट एफ ओके सम ऑफ डिजिट्स विथ रिस्पेक्टिव पावर. ओके, अगर 3 डिजिट है तो पावर में 3 होगा, 4 डिजिट है तो पावर में 4 होगा. ओके, सम ऑफ डिजिट विथ रिस्पेक्टिव पावर इक्वल टू परसेंटेज डी, ये हमारा कहाँ स्टोर है, ऑब्वियसली सम में स्टोर है, ये हम प्रिंट करेंगे और न्यू लाइन में आ जाएंगे, ठीक है. और बाद में हम चेक कर देंगे, अगर नंबर और सम दोनों इक्वल हैं तो हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ दैट नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर. जैसे कि हमने बात की आर्मस्ट्रांग नंबर क्या है, अगर ये इनका सम 153 आ रहा है वो, और एक्चुअल जो डिजिट था नंबर था 153, वो दोनों सेम है तो दैट इज आर्मस्ट्रांग नंबर. अगर इसकी तरह है कि 1 2 3 है, तो 1³ + 2³ + 3³ है, तो उसका समेशन है वो 1 2 3 नहीं हो रहा है, 123 नहीं हो रहा है, तो वो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है. सो सिमिलरली अगर इक्वल है दोनों नंबर और सम, तो हम लिखेंगे परसेंटेज डी इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर. ओके, परसेंटेज डी की जगह पे क्या आएगा, एनयूएम. एनयूएम है वो हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर है, आर्मस्ट्रांग जी रह गया, आर्मस्ट्रांग नंबर है. ओके, एल्स एल्स में हम क्या लिखेंगे, सेम प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट विथ नॉट, कि ये है वो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है. द डिजिट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज डी इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर. ओके राइट, सो ये सिंपल प्रोग्राम था, एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं हम लोग. रन करते हैं, आई होप देर आर नो एरर्स. क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन, यहाँ पे सेमी कॉलन हम भूल गए हैं, वी हैव सेमी कॉलन, फॉरगॉट सेमी कॉलन हियर, फॉरगॉटन. ओके, कंपाइलिंग इट. Okay, so we are through with compilation. As you can see, the output screen here. First, we will check the Armstrong number, right? 153 is an Armstrong number, as we just saw now. So 153 is not an Armstrong number, so there is an error in the program. I'll just close this and quickly go through it. Okay, so we are defining sum in integer, right? But actually, we'll need sum as double sum is equals to zero. I'll just tell you why, because we are using power function here. As you can see here, power function ka output jo hota hai wo as a double hota hai, double in the sense floating point number hota hai. इसीलिए हमें जब हम power function का output receive कर रहे हैं तब हम उसको sum में store नहीं कर सकते, otherwise it will give us an wrong answer. Was a wrong answer, right? So I'll just try to run this thing after making it double. 153 is an Armstrong number, yes. Okay, sum of digit is still 0, number of digits are 3. 153 mein kitne digits hai, 3. Sum of digits with respective power is still 0. Okay, I'll check that error. Yes, I have put percentage d here. और क्योंकि sum है वो हमारा double number है, double type है. Double is a type similar to float. डबल जो डेटा टाइप है वो फ्लोट के सिमिलर है, जैसे इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर हम डिस्कस की थी वीडियो में, जो चीजें हम इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते, जिसकी कैपेसिटी इंटीजर होल्ड नहीं कर सकता, लॉन्ग इंटीजर कैन होल्ड इट. सिमिलरली कुछ ऐसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं जो फ्लोट होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि फ्लोट की कुछ कैपेसिटी है. सो इफ फ्लोट कैन नॉट होल्ड इट, यू कैन जस्ट सिंपली स्टोर इट इनसाइड डबल. ओके, सो डबल इज अ सिमिलर डेटा टाइप टू फ्लोट विथ सम इंक्रीज्ड कैपेसिटी. ओके, सो जब हम पावर फंक्शन यूज कर रहे हैं तो पावर फंक्शन का आंसर बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 2 to power 5, 2 to power 8, 2 to power 10, 15 और 20 पावर तक जा सकता है चीजें, तब
नंबर ऑफ डिजिट्स है वो बढ़ जाएंगे, जो इंटीजर या लॉन्ग इंटीजर होल्ड नहीं कर सकेगा, इसीलिए जो इसका आउटपुट है वो ऑलवेज कहाँ स्टोर करना चाहिए हमें, डबल नाम के डेटा टाइप में, ठीक है। सो इसका आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रहा है जो हम किसके साथ ऐड कर रहे हैं, सम के साथ। सो अगर हम सम को ही डबल नाम के डेटा टाइप होल्ड कर सके, ऐसा वेरिएबल बना देंगे कैपेबल, सो दैट विल डू राइट। सो आवर प्रोग्राम इज वर्किंग। अनदर नंबर वॉज 1634, एक बार उसे चेक कर लेते हैं 1634 एंड देन वी जस्ट क्विकली डीबग इट। सो 1634 के लिए चेक करते हैं, 1634 नंबर ऑफ डिजिट्स 4, सो सम ऑफ डिजिट्स विथ रिस्पेक्टिव पावर 1634 आ गया एंड 1634 एन स्ट्रॉन्ग नंबर। लास्ट में हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स प्रिंट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्टिव पावर। अगर 4 डिजिट नंबर है तो हर एक डिजिट को हमें 4 की पावर में डालना पड़ेगा और इसको समेशन करना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिजिट्स आर 3 तो हमें 3 की पावर में डालना पड़ेगा। ओके सो नंबर इज इक्वल्स टू सम, जो हमारा समेशन आया है वो जो हमारा नंबर था एक्चुअल उसके जितना ही है, इसीलिए मैंने नंबर को मैनिपुलेट नहीं किया था। मैंने क्या किया था, नंबर को एक डमी नंबर 1 में असाइन कर दिया था जो हमें काम लगा था नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने के लिए, ठीक है, और डमी नंबर 2 को असाइन किया था जो हमें काम लगा था हमारा समेशन फाइंड करने के लिए। ओके सो वी हैव यूज्ड व्हाइल लूप एज वेल एंड डू व्हाइल लूप एज वेल। सो प्रोग्राम में आप कितने भी लूप यूज कर सकते हैं, इस प्रोग्राम का फ्लो आपको पता होना चाहिए, इट शुड बी वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। ओके एक बार इसको हम क्या कर लेते हैं, डिबग कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पॉइंट्स रख लेता हूँ, जस्ट यूज F5 फॉर डिबगिंग पॉइंट, दोनों जगह पे डिबगिंग पॉइंट रखती है। मैं इसको कंपाइलेशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे वेरिएबल की लिस्ट मिल चुकी है, अभी के लिए सारे वेरिएबल्स हैं वो कैसे असाइंड है, डमी वेरिएबल्स है, डमी वेरिएबल्स जैसे होते हैं कि गार्बेज वैल्यूज है, सारी कोई भी वैल्यू रिलेवेंट नहीं है इससे, ठीक है, जो हमने दी हुआ है रिलेवेंट नहीं है। सो आई जस्ट स्टेप बाय स्टेप गो, ठीक है। एज यू कैन सी को काउंट डिजिट की वैल्यू 0 मैंने यहाँ पे असाइन की थी, तो काउंट डिजिट की वैल्यू 0 असाइन हो गई है बिकॉज इट्स जस्ट रेड, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड इसको थोड़ा एक्सपांड कर देते हैं, ओके लुक्स गुड, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड हम डबल सम को असाइन कर रहे हैं 0, ओके तो सम वेरिएबल को भी 0 असाइन हो चुका है। देन मूविंग फॉरवर्ड एंटर नंबर, एंटर नंबर है स्क्रीन पे आ चुका होगा हमारे आउटपुट स्क्रीन पे, एंटर नंबर आ चुका है, ठीक है। देन वन मोर नेक्स्ट लाइन, तो स्कैन एफ के लिए हमारा वेट करेगा। हम यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एंटर करते हैं 153, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एंटर कर दिया है, आई जस्ट मिनिमाइज इसको एंड देन डी नंबर 1 एंड डी नंबर 2 को नंबर की वैल्यू असाइन होगी। यहाँ पे देखेंगे डी नंबर 1 डी नंबर 2 भी गार्बेज वैल्यू होल्ड कर रहे हैं, जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन प्रेस करूंगा दोनों को 153 असाइन हो जाएगा, ठीक है। वन बाय वन टू लाइन दोनों को नंबर असाइन हो गया जो हमने एनयूएम में स्टोर किया है। ओके अब हम इस व्हाइल लूप से क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, ठीक है। सो आई जस्ट रन इट वन बाय वन, हैव अ लुक एट इट, ठीक है। काउंट डिजिट है, काउंट डिजिट की वैल्यू 1 हो गई है क्योंकि उसने चेक किया कि डी नंबर 1 है वो ग्रेटर देन 0 है अभी भी। मैं सिर्फ डिजिट्स काउंट कर रहा हूँ, सो नंबर का एक डिजिट कम करता जाऊंगा और काउंट डिजिट की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा। ध्यान से देखिए, काउंट डिजिट की वैल्यू बढ़ाई, नंबर का एक डिजिट कम कर दिया। सो 153 नंबर को मैं 0 तक लेके आया हूँ और 3 बार मैंने काउंट डिजिट टाइप किया है, यानी कि 3 बार मेरा नंबर ऐड होगा। यहाँ पे आप काउंट डिजिट की वैल्यू देख सकते हैं 3 हो चुकी है और डी नंबर 1 की वैल्यू क्या है, 0 है जो हम चेक कर रहे हैं कंडीशन में। सो ऑब्वियसली वो लूप के कहाँ आ जाएगा, सिंपली बाहर आ जाएगा और वो प्रिंट कर देगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, काउंट डिजिट जितने, क्योंकि हमें वो हर एक नंबर की पावर में लिखना है, नंबर ऑफ डिजिट्स 3। So I'll put that number to power of every digit. Moving forward, we are under the line number 25. So हम digit number 2 को manipulate करेंगे क्योंकि D number 1 अब कितना हो गया है, 0 हो गया है, dummy number 1। अब हम dummy number 2 को manipulate करेंगे जो actual number के जितना ही है। आप देख सकते हैं memory में मैंने number की value change नहीं की है क्योंकि मुझे उसको last में compare करना है। किससे compare करना है, SUM sum से compare करना है, इसीलिए, ठीक है। So we'll just manipulate dummy number 2 now. Dummy number 2 को मैं next करता हूँ, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई जो डिजिट में स्टोर है। ये स्टेटमेंट क्या करता है, डमी नंबर 2 से लास्ट डिजिट निकालता है और डिजिट नाम के वेरिएबल को देता है। एज यू कैन सी डिजिट में 3 स्टोर है। मूविंग फॉरवर्ड सम क्या करता है, सम प्लस पावर ऑफ डिजिट रेस टू काउंट डिजिट। सो यहाँ पे 27 स्टोर है, क्यों, क्योंकि रेस टू कितना किया है मैंने, 3 किया है और डिजिट की वैल्यू क्या थी, 3, यानी कि
ये स्टेटमेंट ने बेसिकली क्या किया, 3 raise to 3 किया और उसको सम में ऐड कर दिया। इनिशियली सम की वैल्यू 0 थी और 3 raise to 3 होता है 27, तो टोटल सम की वैल्यू आ गई 27। अब हमारा डी नंबर 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, 153 में से एक डिजिट कम करना पड़ेगा, क्योंकि 3 का जो हमने जो भी प्रोसेसिंग था वो कर लिया है, अब एक डिजिट कम करना पड़ेगा, दैट इज बाय इंटीजर डिविजन। ओके सो मूविंग फॉरवर्ड, डी नंबर 2 153 में से 15 हो गया है, 15 ओनली। अब वाइल है वो लास्ट में चेक करेगा, क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, डू वाइल है वो, सो वाइल है वो लास्ट में चेक करेगा कि डी नंबर 2 ग्रेटर देन 0 है, यस इट इज 15, इट इज ग्रेटर देन 0, सो इट विल कम इनसाइड लूप, अगेन कम इनसाइड लूप। डिजिट है वो पहले 3 था, अब वापस हम 15 में से एक डिजिट को निकालेंगे, डी नंबर 2 परसेंटेज 10, ओके सॉरी मॉड्यूलो 10 करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 15 में से 5 मिल जाएगा, सो डिजिट की वैल्यू मैनिपुलेट होकर 5 हो जाएगी। ओके सो एज यू कैन सी डिजिट की वैल्यू मैनिपुलेट होकर 5 हो गई है। ओके सो मूविंग फॉरवर्ड, सम इज इक्वल टू सम प्लस पावर, अभी सम की वैल्यू 27 है और हमारे डिजिट की वैल्यू 5 है, सो 5 raise to काउंट डिजिट होगा। यहाँ पे देखिए पावर फंक्शन कैसे काम करता है, 5 raise to काउंट डिजिट। ओके सो काउंट डिजिट कितने हैं, 3, हमारे टोटल नंबर ऑफ डिजिट 3 थे, 153 में, सो 5 raise to 3 क्या होगा, 125, 125 है वो सम में ऐड हो जाएगा, सो सम विल बी इक्वल टू 27 प्लस 125, टोटल 152, इट शुड बी 152, लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड चेक, सम की वैल्यू मैनिपुलेट होकर कितनी हो गई, 152 हो चुकी है। ओके सो मूविंग फॉरवर्ड अगेन, हमें क्या करना है, लास्ट में 15 में से 5 का काम भी हो चुका है, सो मैं 5 को मैनिपुलेट करके यहाँ से हटा दूंगा इंटीजर डिविजन के साथ, सो 15 में से हमारे पास अब क्या बचेगा, ओनली 1, लास्ट डिजिट है ओनली 1, स्टिल इट इज ग्रेटर देन 0, सो इट विल गो इनसाइड द लूप। मैं डिजिट चेक करूंगा, डिजिट क्या है, नंबर मॉड्यूलो 10, अभी हमारा नंबर 1 है ओनली, सो डिजिट 5 से मैनिपुलेट होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 मॉड्यूलो 10 ऑब्वियसली 1 होता है। ठीक है मूविंग फॉरवर्ड, समेशन में भी क्या होगा, 1 raise to 3 ऐड होगा, 152 में 1 raise to 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 153, अगेन नंबर को मैनिपुलेट करेंगे 1 में से 0, क्योंकि लास्ट डिजिट था उसको निकाल देंगे, उसका प्रोसेसिंग हो चुका था, फाइन सो 153 हो गया है सम, और हमारा डी नंबर 2 पहुंच चुका है 0 पे, सो डी नंबर 2 इज 0, दैट्स व्हाई दिस कंडीशन विल बी फॉल्स, इसीलिए हम जैसे ही नेक्स्ट करते हैं वो कंडीशन से बाहर आ जाएगा और हमारे सम प्रिंट कर देगा। प्रिंटिंग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूँ, एज यू कैन सी ऑन द आउटपुट स्क्रीन सम डिजिट्स विद रिस्पेक्टिव पावर इज 153। ओके 153 आ चुका है, नेक्स्ट करेंगे, चेक करेगा इफ नंबर इक्वल्स टू सम, ये कंडीशन अगर सही है, क्योंकि हमारा नंबर कितना है 153, सम कितना है 153, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों सेम है, इसीलिए वो इफ कंडीशन के अंदर आ चुका है लाइन नंबर 35 में, अगर नहीं होता तो डायरेक्टली लाइन नंबर 37 में आता। ठीक है सो इट इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर, सो इट विल प्रिंट दिस लाइन, जैसे कि आप देख सकते हैं उसने वो लाइन प्रिंट कर दी है, 153 इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर। सो हमारा प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है सो आई जस्ट वांटेड टू चेक फॉर अनदर नंबर 123, जो आंसर नहीं है, आई विल क्विकली गो थ्रू इट। ओके नेक्स्ट वी हैव आवर स्क्रीन, ओके लाइन नंबर 6 में पहुंच चुके हैं, दो चीजें इनिशियलाइज कर दी, प्रिंटर स्टेटमेंट और स्कैनर स्टेटमेंट भी आ गया है, नंबर जैसे कि 654 उनका नंबर मैंने ऐड किया है, 654 जनरली आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है, ऐसा रहता है कि नंबर, अदरवाइज दिस प्रोग्राम विल चेक इट। ओके डी नंबर 1 को असाइन किया, डी नंबर 2 को असाइन किया, नेक्स्ट इसके डिजिट्स काउंट करेगा, जस्ट क्विकली गो थ्रू इट, एक एक नंबर ऐड करता जाएगा और एक एक डिजिट कट करता जाएगा। ठीक है सो नंबर ऑफ डिजिट्स 3 आ चुके हैं और एक एक्स्ट्रा नेक्स्ट प्रेस हो गया, मैं इसे डिजिट में स्टोर कर देगा 4, उसने लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लिया है, अब वो सम के पास आ चुका है, सम की वैल्यू अभी क्या है 0 है, सो उसमें 4 raise to 3 स्टोर कर देगा, क्योंकि काउंट डिजिट की वैल्यू 3 है, सो पावर फंक्शन क्या करता है, सम डिजिट रेस टू समथिंग, सो जिस जिसको बेस में रखना है वो यहाँ पे रखेंगे, जिसका पावर करना है यहाँ पे रखेंगे, 4 raise to 3 क्या होता है 1 I guess 64, यस 4 raise to 364, 16 4 64, यस ठीक है, सो 64 आ चुका है सम में, नेक्स्ट क्या करेगा वो नंबर को एक कम करेगा, 654 में से 65 हो चुका है, अब वो 65 में से 5 को एक्सट्रैक्ट करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं डिजिट की वैल्यू क्या हो गई है 5 हो गई है 65, सो 5 raise to 3 125 होगा और वो सम में ऐड हो जाएगा, सो 125 एंड 64 189 इट शुड बी,
189 आ चुका है, यस। देन मूविंग फॉरवर्ड, अब 65 में से 6 कर दिया है उसने, क्यों? क्योंकि उसने स्टेटमेंट एक्सिक्यूट किया व्हाइल की कंडीशन चेक कर रहा है, स्टिक्स स्टिल ग्रेटर देन 0, इट विल गो इनसाइड द लूप एंड दिस थिंग विल कीप हैपनिंग। ओके, सो हमारा टोटल सम क्या हो गया है, 405, और हमारा नंबर है 654। बोथ थिंग्स आर नॉट मैचिंग, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे है, नंबर इज इक्वल टू सम है, चेक कर रहा है, सम इज इक्वल टू नंबर नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए वो लूप में अंदर नहीं जाएगा, एल्स पार्ट के अंदर जाएगा और प्रिंट करेगा इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। ओके, एज यू कैन सी ऑन अवर आउटपुट स्क्रीन, 654 इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर बिकॉज हमारा समेशन 405 है, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट डू व्हाइल लूप, होप यू अंडरस्टूड इट फाइन। Yes, वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू डिस्कस अबाउट पावर फंक्शन, राइट। वी जस्ट यूज पावर फंक्शन, तो मैंने पावर फंक्शन का एक सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया डबल आंसर करके, जो आंसर वेरिएबल में पावर फंक्शन की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। मैंने डबल क्यों लिया है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है प्रोग्राम वीडियो में कि जो पावर फंक्शन है उसका आंसर आता है वो बहुत बड़ा हो सकता है, इसीलिए उसको डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि उसका आंसर इंटीजर इंटीजर डेटा टाइप फ्लोट डेटा टाइप होल्ड नहीं कर सकती है जनरली। सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग पावर फंक्शन ध्यान रखेंगे कि हम उसको डबल डेटा टाइप में स्टोर करेंगे। और पावर फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, मैथ डॉट एच नाम की लाइब्रेरी में डिफाइंड है। सो वी आर ऑल्सो लर्निंग अ न्यू लाइब्रेरी कॉल्ड मैथ डॉट एच, इसमें बहुत सारे फंक्शन है, साइन कोसाइन एक्सेट्रा, यू कैन एक्सप्लोर इट ऑनलाइन इफ यू वॉन्ट टू यूज दोज फंक्शन। सो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 8 raised to 3 कर रहे हैं पावर फंक्शन में, ध्यान रखेंगे हम क्या कर रहे हैं, 8 raised to 3 कर रहे हैं बेसिकली। सो व्हाट एवर यू वांट टू पुट इन बेस यू विल पुट इट हियर, एंड व्हाट एवर यू वांट टू पुट इन पावर आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। सो आई जस्ट क्विकली रन दिस, 8 raised to 3, 5 1 12, जैसा कि हमें पता है, सिंपल कुछ कर लेते हैं, 5 raised to 2, ओके, एंड आई विल रन इट, तो इट विल बी 25, ठीक है। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं, कंट्रोल एक्सेल से इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें परेशान ना करे, इसको भी कमेंट कर देते हैं, विल डायरेक्टली पुट इट इन द प्लेस ऑफ आंसर। ओके, ऑब्वियसली हम उसके लिए परसेंटेज ऐप यूज करेंगे, जब हम डबल यूज करते हैं तो उसकी जगह परसेंटेज ऐप यूज करते हैं, ठीक है। सो पावर 5,2 शुड बी 25, इस तरीके से भी आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। सो ट्राई दोज थिंग्स एट होम, 25 आ चुका है, क्लियर है। सो जब कुछ बड़ी बड़ी पावर्स हैं जो हमें नहीं पता है, 15 raised to 12, लेट मी चेक इफ वी कैन गेट द आंसर फॉर दिस, 15 raised to 12, यस वी आर गेटिंग द आंसर फॉर इट, जो कुछ बड़ी पावर है, सो यू कैन टेक द आंसर फॉर दैट, फाइन। होप दिस इज क्लियर, राइट, प्रैक्टिस दिस एट होम, ओके, थैंक यू।